First of all, I would like to thank Jaitley sir, Ravi Shankar Prasad sir, and BJP for giving me this opportunity to be doing something special for the country. And जैसे सर ने बोला कि obviously मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्रभावित होकर और उनके विजन से बहुत प्रभावित होकर I'm joining this party, and I'm sure that I'm going to live up to their expectations because I've done whatever I could in cricket, and this is a fabulous platform for me to do something really good for this country and take this party forward and make this country a much better place to live. So I'm sure jaise sir ne mujhe bola with sir's blessing and I'm going to try and do my best and thank you very much once again. ऐसा है कि पार्टी में एक व्यवस्था है तय करने की और ये विषय सारे इलेक्शन कमेटी पे छोड़ दीजिए आप. ऐसा ये विषय भी आप इलेक्शन कमेटी पे छोड़ दीजिए, वो पार्टी में शामिल हुए हैं और जो पार्टी कहेगी वही करेंगे. देखिए वो तो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता के रूप में और एक कैंपेनर के रूप में तो सक्रिय रहेंगे ही, इनका और क्या प्रयोग पार्टी करती है वो औपचारिक रूप से पार्टी निर्णय लेगी, जब निर्णय लेती है आपको बतला देंगे. विकास भदौरिया, विकास भदौरिया, ऐसा है कि अगर आपने इनके ट्वीट्स पढ़े हों जब ये क्रिकेट खेलते थे और अगर आपको वो विजुअल याद हो जो इनका शायद सबसे प्रसिद्ध विजुअल है कि पाकिस्तान के मैच में जब एक प्रकार से कोई अनप्लेजेंटनेस आई तो जो हमारा पुराना अनुभव है एक क्रिकेटर था कि वो ज्यादा पाकिस्तानी सिंपथाइजर बन गए, कम से कम इनका इतिहास वो नहीं लगता. दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जो लोग इस देश को समझते नहीं हैं, इस देश की सुरक्षा को नहीं समझते, इस देश के सेंटिमेंट और जज्बात को नहीं समझते, इस प्रकार का बयान दे सकते हैं. पॉलिसी रही विशेष रूप से यूपीए सरकार के दौरान, मोदी जी के नेतृत्व में उसको इवॉल्व किया है और इवॉल्व किया है इस दृष्टि से कि अब केवल हम देश में अपनी रक्षा करेंगे, जब वो आएंगे तो उनसे निपटेंगे. अब नीति ये नहीं है और आवश्यकता के अनुसार उसका एवोल्यूशन हुआ है. आवर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन हैज इवॉल्व्ड कि जहां से आतंक आरंभ होता है अपनी रक्षा करने के लिए हम वहां उसको डिस्ट्रॉय करने जाएंगे. सर्जिकल स्ट्राइक भी यही थी और एयर स्ट्राइक्स भी यही थी. दुनिया का एक देश ऐसा नहीं है कि जिसने इसकी निंदा की. हमारे दोनों ऑपरेशन सफल हुए, टेररिस्टों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारा एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस का पर्सनल आर्मी का सर्जिकल स्ट्राइक में या एयरफोर्स का एयर स्ट्राइक में सैक्रिफाइस नहीं हुआ. हमने सिर्फ टेररिज्म पे अटैक फोकस किया और सफल होकर वापस आए और पूरी दुनिया ने हमारा समर्थन किया. अब आज का यह बयान श्री सैम पित्रोदा का यह दिखलाता है कि उनका मानना यह है कि यह गलत किया हमने. यह तो दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा और किसी ने अगर कहा ये तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस ने भी नहीं कहा, कंट्रीज ने नहीं कहा.
केवल ये पाकिस्तान ने कहा और उस लाइन को सपोर्ट करने वाले इस देश में आ जाएं और इस देश में एक राजनीतिक दल के आइडियोलॉग हों तो इस देश का दुर्भाग्य है। मैं ये कहूंगा कि देश को अब यह तय करना है कि वो पुरानी जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन थी कि वो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके रोज टेररिस्ट भेजें और हम लोग उसको अपने आप को डिफेंड करते रहें। मैं गौतम गंभीर यहां बैठे हैं तो इसलिए क्रिकेट का उदाहरण देके ज्यादा सरलता से समझाऊंगा। मैच कभी बैकफुट पे खेल के जीता नहीं जाता, फ्रंट फुट पे जीता जाता है, रन तभी बनते हैं और यही हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में इवॉल्व हुआ है। अगर गुरु कैसा हो, ऐसा हो और उसके विचार ऐसे हो तो शिष्य कितना निकम्मा निकलेगा, आज इस देश को भुगतना पड़ रहा है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट फॉर इंडिया एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू दैट समबडी हु इज एन आइडियोलॉग ऑफ द कांग्रेस पार्टी हैज सेड सो। आई थिंक सच पीपल हैव नो कनेक्ट विद इंडिया सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, द पेन दैट वी हैव सफर्ड, द लॉस दैट वी हैव सफर्ड ओवर द लास्ट थ्री डेकेड्स बिकॉज ऑफ टेररिज्म was warning us against such an action. They were disapproving it and they were using the nuclear bluff. On both occasions the nuclear bluff was also called off. This is now an ideological battle between those who want to defend India through all instruments or strategies at its command, or those who want India to fight against terrorism with kid gloves and with their hands tied behind them. If the tutor has these views, then a student, I think, will do what the present student is doing. This is not the first time that a senior leader of the Congress party has made such a statement. Repeatedly such statements have been made. I am sure, and I am repeating what I have said earlier, Mr. Sam Pitroda will be very high in his TRPs on Pakistan TV today. I am equally sure that the level of revulsion against his statement in India will also be very high. See, I echo what sir has just said and I'm absolutely of the same opinion and what sir has just mentioned to all of you. So, totally endorse that statement. You see, I'll tell you, just adding to what he says in response to your question, there is a basic erroneous premise in that theory that why blame the whole country for what 8 people entered Mumbai on 26/11. This erroneous premise is a self-deception. It is based on a presumption that there is a distinction between the state actors and the non-state actors in Pakistan. Post 26/11, the non-cooperative attitude of the Pakistani successive governments
एंड देयर रिएक्शन टू पुलवामा कपल्ड विद द फैक्ट दैट यू हैड स्ट्रक्चर्ड कैंप्स नॉट अ शामियाना कैंप इन अ फॉरेस्ट बट दीज वर लाइक मिलिट्री ट्रेनिंग अकेडमीज सच कैंप्स ऑपरेटिंग कंक्लूसिवली शोज दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन State actors and non-state actors in Pakistan, the non-state actors are only an extended limb of the ISI. एक बात ऐड करना चाहता हूं अरुण जी की अनुमति से साइम पित्रोदा यह नहीं समझते कि उन आठ लोगों के पीछे पाकिस्तान की पूरी सल्तनत खड़ी है पायल नो दे वेंट अ स्टेप फर्दर Their stand not only compromises the security of India, it compromises India as a nation. To say that the Pulwama attack was self-engineered is the Samajwadi Party a propagandist for Pakistan? Pakistan could not have loved anything more than the Samajwadi Party stand. Last question. Ashok. देखिए पार्टी इन सब पक्षों में अपने इंटरनल मैकेनिज्म्स के माध्यम से निर्णय लेती है और पार्टी के सभी लोग विशेष रूप से जो बहुत वरिष्ठ हैं जिन्होंने इस पार्टी को बनाया है उस सारी सिस्टम का एक अंग होते हैं